स्वागत। आज हम फोर्थ डे में हैं, जब हम 11 डेज सीरीज कर रहे हैं मेडिटेशन की। मैं चाहती हूँ सब लोग आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सांस पूरी पेट में भरेंगे और छोड़ेंगे। सांस पूरी पेट में भरेंगे और छोड़ेंगे। छोड़ते वक्त अपने स्टमक से अपने रीढ़ की हड्डी से पेट को लगाएंगे और छोड़ेंगे। हमने कल किया था अपने आप को माफ, दैट वॉज ऑल अबाउट सेल्फ लव। सेल्फ लव इज नॉट अबाउट बीइंग सेल्फिश, सेल्फ लव इज लविंग योरसेल्फ फर्स्ट। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कल हमने देखा था, बहुत लोगों में एंगर इश्यूज ऊपर आए थे क्योंकि वो माफ नहीं कर पा रहे थे अपने आप को और जिसको करना था उसको भी नहीं। तो थोड़ी देर के लिए फिर अपने आप से कनेक्ट होंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे, अपने आप को सराहेंगे, अपने आप को अपने सामने लेके आएंगे, देखेंगे उन आंखों में और बोलेंगे आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, यू आर सो लवेबल, यू आर सो लवेबल। जिंदगी तुम्हें बहुत प्यार करती है। आज टाइम है अपने अचीवमेंट्स का और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने का। लेट्स काउंट आवर ब्लेसिंग्स एंड अचीवमेंट्स, वी हैव नेवर एक्नॉलेज देम। कभी उनको हमने एक्नॉलेज नहीं किया, कभी उनकी हमने तारीफ नहीं करी, कभी हमने कुछ सुना नहीं। Be with me. सारी बाहर की आवाज को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। जस्ट एक्सेप्ट व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड यू। वी आर हियर टू फॉरगिव आवरसेल्व्स। सबसे पहले खुद को माफ करना है, जो भी गलतियां करी आज सिर्फ माफ करना है, पछतावा नहीं। आई फॉरगिव माइसेल्फ, आई फॉरगिव माइसेल्फ, आई फॉरगिव माइसेल्फ। वो जो लड़की सामने है उसको देखेंगे, उसको बहुत प्यार करेंगे। आई रियली 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 लव यू, यू द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑन अर्थ। आई लव यू, आई लव यू। बहुत प्यार, बहुत अपनापन उसको देंगे, उसको स्वीकार करेंगे। वो जैसी है उसको स्वीकार करेंगे। शी इज जस्ट परफेक्ट, आई जस्ट लव हर, शी इज सो लवेबल। अपने सिर को टैप करेंगे सेंटर में जैसा हमेशा करते हैं। आई लव माई सेल्फ, आई एम सो लवेबल, आई एम हियर टू बी लव्ड, आई एम अ लविंग चाइल्ड, my inner child is getting healed, I am so happy, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भीतर बैठा छोटा बच्चा भी बहुत खुश है क्योंकि आज इसको जी भर के प्यार मिल रहा है। आंखों की साइड में लेंगे, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज ओथ लेती हूँ कि मैं हमेशा अपने आप को खुश रखूंगी, अपने आप को खुश रखूंगी, अपने आप को खुश रखूंगी।
मैंने सबसे पहले अपने आप को माफ किया है, अपने आप को हल्का किया है, अपने आप को गिल्ट फ्री किया है। ना जाने मैंने जाने अनजाने में कितनी गलतियां करी हैं, लेकिन उसी से तो मैंने सीखा है बहुत कुछ। मैं अपने आप को माफ करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और प्यार करती हूँ। चेस्ट के वहां मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। इट इज माई चॉइस टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी। आई रिलीज ऑल द पेन्स, पेनफुल मेमोरीज ऑफ द पास्ट। इट इज माई लाइफ नाउ। आई एम द ड्राइवर ऑफ माई लाइफ, आई विल ड्राइव माई लाइफ। बहुत चला रही लोगों ने मेरी जिंदगी, अब मैं खुद उसका निर्णय लूंगी। मेरे पास सारी पावर्स है। आई एम सो थैंकफुल टू द यूनिवर्स। रिस्ट दबाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बोलेंगे पीस शांति, फिर बोलेंगे पीस शांति, फिर बोलेंगे पीस शांति। सिर को बिल्कुल सामने रखेंगे, ऊपर देखेंगे, लुक एट द सीलिंग, सीलिंग की तरफ, सिर सामने, नीचे, लेफ्ट, राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, लेफ्ट, राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए फिर सीलिंग की तरफ देखेंगे और होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड, रिलीज। नीचे देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, रिलीज। लेफ्ट को देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, रिलीज। राइट को देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, रिलीज। क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। नाउ वी आर रेडी फॉर द मेडिटेशन। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सब अपनी आंखें बंद कर लें, चश्मा है तो उतार लें, शिवांगी चश्मा उतार लो। हाँ, क्लोज योर आईज। आज हम अपनी पूरी सफाई करने जा रहे हैं। ये ध्वनि हमें आज कैलाश पर्वत के पास ले चली है। हम कैलाश पर्वत के पास खड़े हैं और कैलाश पर्वत पे से बहती हुई गंगा गंगोत्री से निकल के आज कैलाश पर्वत से निकल रही है। महसूस करिए उस गंगा जल को जो आज आपको पवित्र करने जा रहा है, जो आपके सारे पाप धो देगा। क्योंकि आज तक हम बाहर के पापों को धो रहे थे, आज हमारे भीतर जितनी भी गलतियां हैं, जितने भी विकार हैं, गंगा जल धोता चला जाएगा। मेरी आवाज, आपकी सांस और हमारे बीच में ये ध्वनि, ये म्यूजिक, बस पूरा सरेंडर कर दीजिए। जैसा बताया जा रहा है वैसा करिए। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक लंबी प्यारी सांस पैर के अंगूठे तक और छोड़ेंगे। उस पहाड़ के नीचे हम खड़े हैं। कैलाश पर्वत के नीचे ऊपर से बहती हुई गंगा की धाराएं हमें पूरा नहला रही है। एक अलग सी कंपन हमारे शरीर में होने लगी है। गंगा सारे पापों को धो देती है। आज ये हमारे भीतर राउंड चक्रा से, सहस्रार से अंदर जाके हमारे एक एक चक्र को एक्टिवेट करेगी, हमारे शरीर के एक एक अंग को हील करेगी। बुलाते हैं हम गंगा को।
हमारे सर पे आती भी गंगा, हमारे सर की जितनी भी वायरिंग हुई भी है, जो भी बिलीफ सिस्टम है आज उसको रीवायर कर रही है। हमारे बिलीफ सिस्टम हमें कंफर्ट जोन में रखते हैं और आज हमारे बिलीफ सिस्टम छूट रहे हैं और हम कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं। सारे पुरानी बातें, पुरानी यादें, दर्द भरे ज्ञान बातें गंगा धो रही है। कहते हैं गंगा सबके पाँव धोती है, और ये पड़ी भी खराब नहीं होता है इसका जल। कैलाश पर्वत से आती हुई ये गंगा अपने साथ ना जाने कितनी जड़ी बूटियां लेके आई है। इसी कारण से तो जल खराब नहीं होता है, और आज ये जल हमारे एक एक कण को, अंग को धोता जा रहा है। हमारे अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, विकार हैं, सबको ये हील करता जाएगा। ये गंगा का पानी हमारे सर के ऊपर आया, हमारा थर्ड आई एक्टिवेट हो गया, हमारे चेहरे को धो रहा है। अब हमारी गर्दन पे आ गया है ये एकदम निर्मल स्वस्थ जल। हमारे गले पे जो विशुद्धि चक्र है उसको एक्टिवेट कर रहा है। कैलाश पर्वत से नीचे नीलकंठ महादेव भी हमारे गले में, कंठ में विराजमान है, और सारा जहर जो हमने यहाँ कंठ में भरा हुआ है वो विष पी रहे हैं। हल्के नीले रंग का इसका कलर है, और आज हम अपने थ्रोट चक्रा को हील कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से, जो भी हम बोले लोग हमारी बात सुने, जो हम बोले लोग उसको वैल्यू करें। पूरा गला ही हो चुका है, गंगा जल और नीचे शरीर में, गले से नीचे दोनों बाहों को क्लेंस करता हुआ। बीच बीच में हम अपने ऊपर ब्लेसिंग सिंबल भी बना रहे हैं, अपने आप को ब्लेस कर रहे हैं, अपने आप को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं अनु सिंबल से। फील करें वाइब्रेशंस को जो हमारे भीतर चल रही है। बस जो भी फंक्शन है इस गंगा का, वो अपना कार्य तो कर ही रही है। गले से होता हुआ ये हमारे हार्ट में, हार्ट चक्रा पे है। सांस के साथ आता हुआ हल्का हरा रंग हमारे अनाहत चक्रा को खोल रहा है। और ये सारे डिवाइन बीइंग्स हमें हील कर रहे हैं, पूरी तरीके से हील कर रहा है, बता रहा है तुमने क्या क्या गलतियां करी जीवन में अपने, कौन लेकिन हमने कभी कुछ नहीं माना, किसी की बात नहीं मानी ना सुनी। आज हमें अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं ताकि जो हमें प्यार दे हम उसको भी समझ सके, और जो नहीं दे उसको माफ कर सके। ऐसा होता है ना, हम दिल के दरवाजे खोलते नहीं और कहते हैं लोग हमें प्यार नहीं करते। तो खोलिए अपने मन के द्वारों को, एंजल्स को बोलिए, उन शक्तियों को बोलिए कि आपका गला पूरी तरीके से हील हो जाए। वो गाना है ना,
तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, वो प्यार हमारे भीतर है। तो आज हम अपने दरवाजे को खोलेंगे, अपने भीतर के दरवाजों को खोलेंगे और प्यार को अनुभव करेंगे जो लोग हमें दे रहे हैं। हमें प्यार को स्वीकार करना है, प्यार को लेना है, प्यार को अपनाना है। हम प्यार के सागर हैं और हम एक एक बूंद के लिए तरसते रहते हैं। तो अनाहत चक्र को खोलेंगे, महसूस करेंगे वो गंगा जल उसको खोल रहा है। लंबी गहरी सांस लेंगे और एक गहरी ओंकार की ध्वनि, ओम, आओ, आओ। आओ, हमारे हृदय के दरवाजे खुल चुके हैं। गंगा तेजी से बाहर बह रही है हमारे दिल के दरवाजों से। जितनी भी काले कलुषता हमारे मन में थी, लोगों के लिए सब धोके ले गई है, मानो बाढ़ आ गई है। हम एकदम स्वच्छ निर्मल, सिर्फ प्रेम। गंगा अब हमारे नाभि की उपरमणि को, चक्र को भी धो रही है। अचानक सूर्य का तेज प्रकाश आता है और इस सोलर प्लेक्सिस को एक्टिवेट कर रहा है। येलो कलर है इसका। और उस सूरज को महसूस करो जो यहाँ पे अग्नि दे रहा है। यही है हमारा अर्थ एलिमेंट, यानी सॉरी फायर एलिमेंट, हमारा अग्नि तत्व, हमारी जठराग्नि, हमारा डाइजेशन, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी एनर्जी, ये चक्र के एक्टिवेट होने पे ही होती है। महसूस करिए उसे गोल गोल क्लॉकवाइज घूमता हुआ, पूरी तरीके से एक्टिवेटेड हो गया है। गंगा नदी आस पास की सारी गंदगी को समेटे हुए अब नीचे हरा चक्र पे पहुंच गई है। हरा चक्र स्वादिष्टान चक्र, ये चक्र हमारी इमोशंस को दबा के रखता है, हमारी सेक्सुअल डिफीट्स को दबा के रखता है, और ना जाने कितनी कितनी पुरानी भावनाएं दबी रहती है, और वही तो बीमारी का कारण बन जाती है। सब कुछ यही स्टोर करके रखते हैं हम। ये भी तेजी से गोल गोल घूम रहा है, पूरा साफ हो चुका है। ना ध्यान रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला पॉइंट, बेस पॉइंट पे लेके जाएंगे, देखेंगे वो क्लॉकवाइज गोल गोल घूम रहा है। और यहां से मैं इनका सिंबल बना रही हूँ आप लोगों के ऊपर, फॉरगिवनेस वाला सिंबल। मूलाधार चक्र यानी बेस चक्र, आपकी नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, सब यही पूरा करता है। पृथ्वी तत्व है ये। जितना एक्टिवेट होगा हम अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर पाएंगे। यहाँ से नीचे पैरों में दर्द होना, साइटिका होना, सब इसके डिस्टर्ब होने से होता है। हमें आज समझ आ चुका है कि हमें कैसे चक्र हीलिंग करनी है। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे।
हमारा रोटी, कपड़ा, घर, जो सर्वाइवल की चीजें हैं, वो पूरी यही चक्र करता है। अगर हम जितने एक्टिव होंगे, जितनी एनर्जी हाई होगी, उतना ही हम काम कर पाएंगे। गंगा सबको धोती भी नीचे दोनों पैरों में, घुटनों में, पूरे पैर से अपनी एड़ी में आ चुकी है। अब दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में आपकी झोली में पड़े हैं। बस धन्यवाद का भाव है हमारे भीतर। वो जाइए, ध्यान में कहीं लेके जाता है ध्यान, तो जाइए, माफ करिए खुद को, क्षमा करिए। अब गंगा सारी गंदगी लेके धरती में समाहित हो गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या करते हैं आप? क्या क्या अभिलाषाएं लेके आए हैं आप? उनका पूरा करने का समय आ चुका है। बस स्वयं से जुड़ना है और कनेक्टेड रहना है। पूरी तरीके से हम ध्यान मगन हो गए हैं, कहीं दूर चले गए हैं। हमारे सारे मन के विकार, बीमारियां गंगा नदी बहा कर ले गई है। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, दोनों हाथों से जोर जोर से रब करेंगे, हथेली को मारेंगे, इन पॉइंट्स को प्रेस करेंगे, नकल्स को, सारे पॉइंट्स को हथेली पे जोर जोर से प्रेस करेंगे, नाखून है तो उससे दबा दबा के सबको एक्टिवेट करेंगे। और इसको इतनी जोर से रगड़ेंगे कि हमारे सारे पॉइंट एक्टिवेट हो गए हैं, एक्यूप्रेशर हो जाए, और इसको चेहरे पे लगा के एक अलग सा तेज हमारे चेहरे पे, एक सुंदर सा कैसा लगा? एकदम पीसफुल लगा है, एकदम किसी के शांत। अंदर हैवीनेस है कहीं बॉडी में? आप सुबह में पहले पूछना भूल गए थे, उस पर भी काम करते हैं अपन थोड़ा सा। कहीं है हैवीनेस वगैरह कुछ किसी के हल्के यस मैम, शोल्डर शोल्डर में में? किसके हैं? मैम, आपके हैं सुषमा पूनम? सुषमा के हैं? मैम, यस पार्ट में अभी हुआ हाथ क्या? अभी हुआ पहले से है क्या? मैम? नहीं चलिए पहले से। लंबी गहरी सांस लेंगे। जिसके तो कंधे में दर्द है, पहले कंधे पे काम करेंगे। पूरी सांस भरते हुए प्राण ऊर्जा को कंधों पे लेके आएंगे, रोकेंगे, 1 2 3 4 छोड़ेंगे। प्राण ऊर्जा को कंधे पे लेके आएंगे, 1 2 3 4 छोड़ेंगे। पूरे कंधे को, कितनी जिम्मेदारियां उठा ली है हमने आज, छोड़ दे जिम्मेदारी को, डेलीगेट करें अपने काम को, जो
कंधों में दर्द होता है जब हम सब कुछ लोड लेते हैं ना अपने ऊपर, देते नहीं है किसी को, तो पूरी सांस को अपने कंधे में भरना है और फिर छोड़ेंगे सबको मिल बैठ के यहाँ पे। जब जो भी दर्द होता है वो इसीलिए होता है कि हमने पूरा लोड अपने ऊपर ले लिया है ना, वो नहीं करना है। तो जिनके हार्ट में है, एक पूनम एक मेडिटेशन करेंगे आप हार्ट में। कहाँ गई पूनम, शक्कर नहीं दिख रही। पूनम देखो इधर, कैन यू सी मी? मुझे थोड़ा ऊंचा उठना पड़ेगा, मैं चेयर पे पोजिशनिंग आज मेरी, एक सेकेंड, इससे नीचे हो नहीं सकता। ये हार्ट चक्र है ना हमारा, है ना, आंख बंद करके ऐसे करेंगे, सभी करेंगे। तो हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, इमोशंस दबे हुए हैं, निकलेंगे। तो मैं आपको कमांड दूंगी और उसके बाद जैसे बोला जाए वैसे करें। जब मैं कहूंगी रुकूंगी मैं, तो आप भी रुक जाएंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। जब तक मैं छी छी करूंगी आप भी करेंगे, और सारा ना छी छी करने का जोर यहाँ इसको खोलेंगे। स्टार्ट। सारा हरा चक्र है बीच में, स्टॉप। एक लंबी गहरी सांस, पूरी ऊर्जा प्राण वायु से अपने हृदय में लेके आइए, छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। क्या कुछ फर्क पड़ा, हल्का हुआ? थोड़ा लाइट फील हुआ। किसको